एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मिक्स सेंटेंस जो कि हम प्रैक्टिस करेंगे। एक एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर लिखती जाऊँगी, उसके अकॉर्डिंग हम इसका सेंटेंस को बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या तुम पार्टी में जा रहे हो? अब ये सेंटेंस रहा है, रही है, इसे ख़त्म हो रहा है, तो मीन्स कौन सा है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और क्या वाला है तो मीन्स इंटरोगेटिव है, तो उसी का स्ट्रक्चर हम यहाँ पर लगाएंगे। Is, am, are, plus subject, V1, ing, object और question mark। अब is, am, are में से हमने किसको चूज करना है, कैसे देखेंगे? सब्जेक्ट क्या है हमारा? तुम। तुम मीन्स यू। यू के साथ हम क्या लगाते हैं? Are you, first form ing, are you going to the party? क्वेश्चन मार्क, आर यू गोइंग टू द पार्टी? क्लियर है? नेक्स्ट है, तुम कल स्कूल क्यों नहीं गए? अब ये कौन सा है? क्वेश्चन मार्क भी है। आर ए ई का सेंस आ रहा है पीछे, तो पास्ट इनडेफिनिट है। और कौन सा है? डब्ल्यू एच फैमिली वाला, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या, क्यों, कैसे आया ना, क्यों। डब्ल्यू एच फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब WH फैमिली क्या होता है? वॉट, वेयर, वाई, वेन, जो WH से स्टार्ट होते हैं, हाउ, इस तरह से। अब क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। उसके बाद हमने लगाना है डिड। सब्जेक्ट यू, वाई डिड यू नॉट। ठीक है, डिड यू नॉट, डिड नॉट एक साथ नहीं आएगा इंटेरोगेटिव में, नेगेटिव में एक साथ आता है, लेकिन इंटेरोगेटिव जब भी हम प्रश्नवाचक बनाते हैं तो बीच में सब्जेक्ट आता है। वाई डिड यू नॉट, क्यों नहीं गए, गो टू स्कूल। ठीक है, वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल कल, मीन्स येस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? नेक्स्ट है, आप कहाँ रहते हो? आप कहाँ रहते हो, ता है, ते है का सेंस आ रहा है, प्रेजेंट इनडेफिनिट है, और सब्जेक्ट के बाद कहाँ पूछा गया है तो मीन्स डब्ल्यू एच फैमिली वाला है। डब्ल्यू एच फैमिली प्लस डूडर्स सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। कहाँ मीन्स वेयर, वेयर डूडर्स में से किसको लेंगे? डू को, क्योंकि यू है सब्जेक्ट हमारा। वेयर डू यू रहने की लिव, क्वेश्चन मार्क। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, प्रेजेंट इनडेफिनिट है, कौन सा है? डब्ल्यू एच फैमिली वाला इंटरोगेटिव है। अजय ने हमेशा मेरी मदद की है, जो मैंने बताती हूँ ना, चुका है, चुकी है, की है, ई है, तो ये कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। क्या स्ट्रक्चर लगाएंगे? सब्जेक्ट हैज हैव V3 ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है हमारा? अजय। अजय के साथ हम क्या लगाएंगे? ही, शी, इट, कोई नेम हो तो हम हैज का यूज करते हैं। अजय हैज हमेशा, ऑलवेज, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड मी। अजय हैज ऑलवेज हेल्प्ड मी, अजय ने हमेशा मेरी मदद की है। मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। आ है, ई है का सेंस आ रहा है, अगेन क्या है ये? प्रेजेंट परफेक्ट। सब्जेक्ट हैज हैव प्लस V3 ऑब्जेक्ट। मैंने मीन्स सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के साथ हम क्या लगाएंगे? हैव। मैंने उसे सब कुछ बता दिया है, आई हैव टोल्ड, थर्ड फॉर्म, उसे, हिम, एवरीथिंग। आई हैव टोल्ड हिम एवरीथिंग, मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। ठीक है, तुम सुबह से टीवी देख रहे हो, कौन सा है ये? अब रहा है, रही है, पीछे है, लेकिन इसका मीन ये नहीं है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, क्योंकि यहां समय दिया गया है सुबह से, तो मीन्स क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है,
उसी का स्ट्रक्चर यहां पे लगाएंगे, सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन, वी वन आई एन जी, ऑब्जेक्ट सिंस फोर और टाइम। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, तुम सुबह से टीवी देख रहे हो, यू यू के साथ हम क्या लगाएंगे, आई वी यू दे के साथ हम हैव बीन लगाते हैं, ही शी इट किसी नेम के साथ हम हैज बीन लगाते हैं। यू हैव बीन देखने की फर्स्ट फॉर्म, वॉचिंग आई एन जी लगा साथ में, यू हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, क्लियर है, यू हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से टीवी देख रहे हो। वह हर रोज कसरत करता है, अगर हम बताना चाहते हैं कि हाँ कि ये इंसान हर रोज कसरत करता है तो हम कैसे बताएंगे, सबसे पहले तो ये क्या है, ये प्रेजेंट इनडेफिनिट है ना, और सब्जेक्ट क्या है, ही, ही कसरत करना मीन्स एक्सरसाइज है ना, ही एक्सरसाइज, लेकिन यहां पर हम एस लगाएंगे, क्या है ये प्रेजेंट इनडेफिनिट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाते हैं, ही एक्सरसाइज एवरी डे, ठीक है, ही एक्सरसाइजेस एवरी डे, सब्जेक्ट वी वन, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, एस या ई एस, ऑब्जेक्ट, यही लगाया ना, सब्जेक्ट हमारा ही शी इट था तो हमने वी वन के साथ एस या ई एस लगाया, अगर सब्जेक्ट हमारा आई वी यू दे होता तो हम सिर्फ वी वन लगाते, ठीक है। अब देखिए, क्या तुमने होमवर्क कर लिया है, आ है, ई है, ए है का सेंस आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है ना, लेकिन उसमें भी क्या है, ये इंटरोगेटिव है तो हम हैज हैव को सबसे पहले लगाएंगे, हैज हैव, सब्जेक्ट वी थ्री, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हैज हैव में से किसको उठाएंगे, हैज को, क्योंकि नहीं सॉरी हैव को उठाएंगे क्योंकि आई वी यू दे के साथ हम हैव लगाते हैं, ही शी इट किसी नेम के साथ हम हैज लगाते हैं। Have you, verb की third form, done, have you done homework, have you done homework, क्या तुमने homework कर लिया है, ठीक है। अगर हम यहां लिखते हैं क्या तुमने अपना homework कर लिया है, have you done your homework, clear है। उसने कुछ नहीं बोला, आ ए ई का sense आ रहा है, past indefinite है और नहीं वाला है, सब्जेक्ट डिड नॉट, वी वन, ऑब्जेक्ट, अब उसने, ही डिड नॉट, उसने कोई भी हो सकता है, ही या शी भी लगा सकते थे आप यहां पर, ठीक है, हमें नहीं मालूम ना कौन है वो, ही डिड नॉट स्पीक एनीथिंग, he did not speak anything या फिर he did not say anything, कुछ भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, उसने कुछ नहीं बोला, he did not speak anything। क्या तुम्हें समझ में आया, कौन सा है ये, past indefinite है ना, और क्या से शुरू हो रहा है तो means interrogative भी है, तो हम कैसे करेंगे, did पहले आ जाएगा plus subject वी वन object question mark, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले डिड लगा, सब्जेक्ट लगाएंगे डिड यू, अब समझने की अंडरस्टैंड, डिड यू अंडरस्टैंड, ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं था तो हमने नहीं लगाया, होता तो हम लगा देते, क्या तुम्हें समझ में आया, डिड यू अंडरस्टैंड, ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस को बनाना सीखिए स्ट्रक्चर के साथ, अगर आपको ये याद होंगे तो ईजिली आप इनको फॉर्म में इसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं ईजिली, ठीक है, तो इसी की प्रैक्टिस करके देखिए, जो मैंने ऐसे बनाया है क्या तुमने, ठीक है, इसी तरह से आप किसी का नाम यहाँ पे लिख सकते हो, क्या अजय ने होमवर्क कर लिया है, उसने कुछ नहीं बोला, या फिर मैंने कुछ नहीं बोला, तो आप इसको चेंज करके बनाना स्टार्ट करें, इसी तरह से आपको सेंटेंस जो आएंगे अच्छे से, प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपके जो टेंसेज हैं वो मजबूत होते चले जाएंगे।
ठीक है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा गाइज, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसका जो PDF है वो आपको मेरे ऐप में जो कि बी इंग्लिश टैंकर के नाम से है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वो आप फ़ोन से डाउनलोड कर सकते हैं अपने ऐप स्टोर से। गॉड ब्लेस यू।